हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे कि हम हर दिन एक नए टॉपिक्स पे डिस्कशन कर रहे थे, तो आज जो करंट अफेयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है वो है भारत रत्न। आपको पता होगा भी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 लोगों को भारत रत्न 2019 में अवार्ड प्रोवाइड किया है। तो हम इसके बेसिक देखते हैं, एक्चुअली भारत रत्न होता क्या है और ये किसको मिला है और अभी तक किस किस को मिल चुका है। तो चलिए हम आज इस वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं डिस्कशन से। सबसे पहला पॉइंट देखिए, जो भारत रत्न है वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है। देश का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, ठीक है। और ये कब से इंस्टीट्यूट हुआ है? 1954 से। तो याद रखिएगा, सबसे पहली बार भारत रत्न 1954 में ही मिला होगा, ठीक है। और याद रखिए, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पाकिस्तान का कौन सा है, उसे कमेंट बॉक्स में आप बताइए। तो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? दैट इज भारत रत्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये किस फील्ड में दिया जाता है? एक्चुअली पहले ये मेंशन था कि ये आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड पब्लिक सर्विस में ही दिया जा सकता है। बट इन 2011 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, इसका जो एरिया था, मतलब जिन फील्ड्स में दिया था उसको बढ़ा दिया। और 2011 में क्या कर दिया गया, एक पॉइंट और ऐड कर दिया गया, दैट इज एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर। कहने का मतलब, अगर ह्यूमन बीइंग किसी भी फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं, कोई भी फील्ड हो सकती है, वो स्पोर्ट्स भी हो सकता है, तो उसको भारत रत्न दिया जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, स्कोप जो था भारत रत्न का वो एनलार्ज कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट जो अवार्ड रहता है, एक्चुअली मैं आपको बताऊं भारत रत्न मिलता क्या है। देखिए, इसमें एक आपको एक पीपल की डिज़ाइन का एक मेटल रहेगा जो ब्रॉन्ज का बना होगा। किसका बना होगा? ब्रॉन्ज का। देखिए, मैंने डायग्राम भी बना रखा है वो किस तरह होता है। ये उसका फ्रंट है, ठीक है, भारत रत्न। ये उसका बैक है। फ्रंट साइड में क्या रहता है? भारत रत्न लिखा रहता है, ठीक है। और ऊपर जो है सन बर्स्ट करके ऐसा सन बना रहता है, ठीक है। उसी के बैक साइड में क्या होता है, आपका इंडियन एम्बलम जो है वो बना रहता है। और नीचे यहाँ पर देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा रहता है सत्यमेव जयते, ठीक है। तो याद रखिएगा, फ्रंट और बैक किसका होता है, कौन से आकार का है, अगर पूछा तो पीपल ट्री के आकार पे, याद रखिएगा कौन से ट्री के, पीपल ट्री। और किसका बना होता है? ब्रॉन्ज का बना होता है, ठीक है। और जब ये दिया जाता है तो ध्यान रखिएगा, इसमें व्हाइट रिबन रहता है, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिए। व्हाइट रिबन से इसको ऊपर से बांधा जाता है भारत रत्न को, ठीक है। और इसमें कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होती है, तो ये पॉइंट भी याद रखिए, इसमें कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होती है। अगला एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी तक कितने लोगों को भारत रत्न मिल चुका है। तो रिसेंटली अभी 3 लोग को मिला है, तो टोटल जो है अभी तक 48 लोगों को भारत रत्न मिल चुका है, याद रखिएगा, ठीक है। वो इसमें होता क्या है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट भारत रत्न प्रोवाइड करता है, तो विद द रिकमेंडेशन ऑफ होम, प्राइम मिनिस्टर, याद रखिएगा। नेक्स्ट, मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता है एक साल में, ठीक है। इन अ ईयर इट कैन बी गिवन टू मैक्सिमम 3 पीपल, ये पॉइंट भी याद रखिएगा, ठीक है। और नॉट मैंडेटेड टू गिव एवरी ईयर, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर साल दिया जाए, हो सकता है गैप हो जाए, बट एक साल में आप मैक्सिमम 3 लोगों को ही भारत रत्न दे सकते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अगर हम ऑर्डर ऑफ प्रिसिडेंस की बात करें, मतलब सब ऑर्डर ऑफ प्रिसिडेंस का मतलब तो सबसे हायर अथॉरिटी कौन होता है, मैं बताऊँ, देश में सबसे हायर अथॉरिटी है प्रेसिडेंट, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, ऐसे एक ऑर्डर ऑफ प्रिसिडेंस चलाता है। तो जिसको भी भारत रत्न मिल जाता है वो देश में 7th रैंक पर रहता है। कौन सी रैंक पर रहता है? 7th रैंक। तो उसकी अगर रैंक देखी जाए तो देश में कौन सी रैंक पर वो रहेगा? 7th रैंक पर रहेगा। तो याद रखिएगा, जिसको भी भारत रत्न मिलेगा तो उसका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस 7th रैंक पर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी तक ये मैंने बताया आपको 1954 में इंस्टीट्यूट किया गया था, तो सबसे पहले भारत रत्न 3 लोगों को मिला था। एक थे सीवी रमन, ठीक है, नीचे मैंने बाकी लिखे हुए हैं, सीवी रमन। सेकंड थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आपको पता होगा, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और सी राजागोपालाचारी। तो याद रखिए, ये 3 लोग हैं जिनको 1954 में 3 लोगों को क्या मिला था, भारत रत्न मिला था। फर्स्ट किसको मिला, तो ये तीनों ही आंसर होंगे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन ये आता है कि भारत रत्न सिर्फ इंडियंस को ही मिलता है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। इट कैन बी गिवन टू नॉन इंडियंस ऑल्सो, मतलब जो फॉरनर्स हैं उनको भी दिया जा सकता है। जैसे कि अभी तक सिर्फ 2 ही ऐसे फॉरनर्स हैं जिनको दिया गया है नॉन इंडियंस। एक थे खान अब्दुल गफ्फार, बहुत फेमस है, हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, फ्रंटियर गांधी इनको कहा जाता है, ठीक है। इनके बारे में आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा, रेड शर्ट्स, खुदाई खिदमतगार्स, ठीक है, कुछ याद आ रहा होगा आपको। तो बहुत इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन लेड किया था इन्होंने। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में भारत रत्न
में दिया गया है, ठीक है। और नेल्सन मंडेला को भी 1990 में भारत रत्न दिया जा चुका है। तो जरूरी नहीं भारत रत्न आप जब जीवित हो, मतलब आप जीवित हो तभी दिया जाए, मरने के बाद भी, मतलब पोस्टमसली भी दिया जाता है ये, मतलब मरने के बाद भी आपको भारत रत्न मिल सकता है। चलिए, तो ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि मैं आपको बता दूं रिसेंटली 3 इंडिविजुअल्स को चूज किया गया है भारत रत्न के लिए। उनके नाम मैं आपको बता देता हूं, नानाजी देशमुख फर्स्ट, सेकेंड है भूपेन हजारिका और थर्ड है प्रणब मुखर्जी, ठीक है। तो एक एक करके थोड़ा इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नानाजी देशमुख जो है ही इज अ सोशल एक्टिविस्ट, 13 साल की उम्र में ही इन्होंने RSS ज्वाइन कर ली थी, ठीक है। और रूरल इंडिया को डेवलप करने में, अपलिफ्ट करने में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इवन अपने फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम ने भी कहा था कि ही इज़ अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर द रूरल इंडिया, ठीक है। तो रूरल इंडिया के इनका अपलिफ्टमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं ये, इन्होंने RSS मैंने बताया आपको 13 साल की उम्र में ज्वाइन कर ली थी और 2010 में ही, ठीक है, इनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। इनका पॉलिटिकल करियर मैं आपको बताऊं तो बहुत बड़ा नहीं रहा है, छोटा ही पॉलिटिकल करियर रहा है। ये है महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इन्होंने BJP के साइड से इलेक्शंस भी लड़े हैं, ठीक है। और याद रखिएगा इनको पोस्टमसली मिल रहा है, मतलब मरने के बाद भारत रत्न दिया जा रहा है, ठीक है। सेकेंड हम बात करते हैं भूपेन हजारिका की, अगेन वेरी फेमस बिकॉज ही इज अ सिंगर राइटर म्यूजिशियन फ्रॉम असम, ठीक है। ये सब कुछ थे, कि सिंगर राइटर म्यूजिशियन थे असम के, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका लिटरेचर में असम की, ठीक है। इनको इवन बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र कहा जाता था, ठीक है। तो याद रखिएगा बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र किसको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, दैट इज भूपेन हजारिका बिकॉज ऑफ हिज लिटरेरी वर्क इन फील्ड ऑफ सिंगिंग राइटिंग एंड म्यूजिशियन फील्ड में, ठीक है। अगला एक बहुत फेमस क्वेश्चन ये है, एक्चुअली मई 2017 में, मैं आपको बता दूं इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज बना है, ठीक है। और वो जो ब्रिज है वो किस रिवर पे बना है, द ब्रिज हैज बीन फॉर्म्ड इन द रिवर ऑफ लोहित रिवर, याद रखिए लोहित रिवर में ब्रिज बना हुआ है, ठीक है। इसको धोला सदिया ब्रिज भी कहते हैं, क्या कहते हैं, धोला सदिया ब्रिज। तो इसका नाम बदल के भूपेन हजारिका ब्रिज कर दिया गया है। तो पूछा जाता है भूपेन हजारिका ब्रिज कहां पर है, तो आंसर है असम में, किस रिवर पर, तो याद रखिए लोहित रिवर पर, ठीक है। और 2012 में इनकी भी डेथ हो चुकी है, तो अगेन इनको भी मरने के बाद दैट इज पोस्टमसली अवार्ड भारत रत्न दिया जा रहा है। थर्ड जो भारत रत्न इस बार मिला है वो है प्रणब मुखर्जी, इनका नाम आपने सुना होगा, ही इज अ 13th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 13th प्रेसिडेंट है। 2012 से लेकर 2017 तक ये देश के प्रेसिडेंट रहे हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल करियर रहा है, कांग्रेस पार्टी के बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर्स में से हैं प्रणब मुखर्जी, ठीक है। एक अराउंड 50 ईयर्स का इनका पॉलिटिकल करियर रहा है और इवन 2012-2017 प्रेसिडेंट रहे हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर रहे हैं बड़े बड़े बैंक्स में, जैसे मैं आपको बता दूं IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बोर्ड ऑफ गवर्नर की तरह इन इंटरनेशनल बैंक्स में, ठीक है। तो प्रणब मुखर्जी ऑल्सो गॉट वॉट अ भारत रत्न इन 2019। तो आप देख सकते हैं भारत रत्न न्यूज में है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक के साथ भारत रत्न कवर कर दिया है। पहला एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ, सबसे पहला व्यक्ति जिसको भारत रत्न मिला पोस्टमसली, मतलब मरने के बाद, तो आंसर है लाल बहादुर शास्त्री, दैट इज 1966, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला और मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज कब मिला, इन दोनों की ईयर्स आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है मुझे। और एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये सबके अलग अलग आंसर हो सकते हैं, आपको ऐसा लगता है कि कौन ऐसे 3 व्यक्ति आप कमेंट बॉक्स में बताइए जिनको भारत रत्न मिलना चाहिए, ठीक है, और अभी तक नहीं मिला है और वो मिलना चाहिए, मे बी वो मर चुके हों, कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन ऐसे लोगों के आप कमेंट बॉक्स में नाम बताइए, हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है, कि 3 पीपल कमेंट ऑन 3 पीपल की जिनको भारत रत्न आगे फ्यूचर में मिलना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया आप इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू।